तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ा कि इस वीडियो में सीखने वाले हैं, यदि हम अपने फ़ोन को कहीं, मतलब मान लो कि आप किसी रिश्तेदारी पे या आप कहीं जाते हैं किसी अपने काम की वजह से और आपको कहीं रात बिताना पड़ जाता है, तो वहाँ पे आपका ये डर जरूर बना रहता है कि यार मेरे सोने के बाद मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाऊंगा या अपने फ़ोन को कहीं रख दूंगा, तो आपको डर लगा रहता है कि मेरे फ़ोन के साथ कोई रात को छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, या आपका कोई पर्सनल पार्टनर है आपके साथ वो आपके फ़ोन की कोई छानबीन तो नहीं करेगा, या आपका फ़ोन चोरी तो नहीं होने वाला, ऐसी डर जो कि बनी रहती है। आपके फ़ोन को कोई छूने जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि टच किया या आपके फोन के साथ कोई छानबीन कर रहा है, ठीक है। तो इस जानकारी को जानने के लिए आपके स्टूडियो क्लास तक देख लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैडम काश आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोज को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल को यहाँ से ऑल पर जरूर प्रेस करेगा। तो चलो आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आपको करना क्या, सबसे पहले आपको अपने फोन पे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी कमाल की एप्लीकेशन है, जैसे कि आप सो भी जाते हैं ना तो आपके फोन को अगर कोई टच करता है तो आपका फोन आपको तुरंत बता देगा कि आपके फोन को कोई छू रहा है, ठीक है। तो करना है कि आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है डोंट टच माय फोन। एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरह इंटरफेस मिलेगा। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन आपसे मांगे जाए तो परमिशन दे देना। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह इंटरफेस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है तो स्टार्ट के नीचे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको मिलने हैं, कस्टम अलार्म एंड पिन कोड, ये जो ऑप्शन मिलते हैं ना दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग वगैरह। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको स्टार्ट पे क्लिक नहीं कर देना, आपको यहाँ पे एक पिन वाला ऑप्शन मिल जाता है ना, ये पिन वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। जब पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको एक पिन देना है, तो पिन किस तरह देना है ध्यान से देख लो। आपको यहाँ पे जो भी पिन देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, बट यहाँ से मैं 1 2 3 4 टाइप कर लेता हूँ। और अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये पिन सेट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, हम इसमें क्लिक करेंगे एंड 30 सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिक जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से मैं इसे मतलब क्लोज कर देता हूँ। आप अब जब सोने जाए तो आप ये ट्रिक आप अप्लाई कर देना, उसके बाद आप सो जाइए। अब हो गया क्या दोस्तों कि अगर आपका फोन कोई टच करेगा, जैसे कि मैं अपने फोन को अगर हिलाऊंगा ना तो वाइब्रेट देख मतलब वॉल्यूम देखिए काफी खतरनाक आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैंने जो कि स्टार्ट जो कि स्टॉप किया, नहीं तो किस तरह जिस तरह पुलिस आती है ना उस तरह का अलार्म आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही आपका फोन मतलब थोड़ा सा भी हिलेगा, आपने अपने मोबाइल को रखा, जैसे ही आप अपने फोन को हिला देंगे तो उसके बाद डायरेक्टली ये जोर जोर से अनाउंस करने लगेगा, मतलब जैसे किसी का फोन आता है बजना शुरू होता है तो सेम उसी तरह बनने लगेगा। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये जो रिंगटोन है जो आपने ये बजना शुरू हुआ था ये स्टॉप नहीं हो सकता, स्टॉप तभी होगा जब आप पिन डालेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डाला था। पिन डालने के बाद ही ऑटोमेटिक स्टॉप होगा, वरना स्टॉप नहीं होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका फोन कोई छू तो नहीं रहा, जैसे आपके फोन को कोई टच करेगा तो डायरेक्टली आपका फोन बजना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।